मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 सितंबर को यहां वोटिंग भी होनी है और अब एक महीने से कम का वक्त रह गया है। खबर ये है कि बीजेपी यहां से शिवपाली यादव के करीबी को टिकट दे सकती है। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद रघुराज साक्य इसके लिए प्रमुख दावेदार हैं। मैनपुरी में भाजपा साक्य या ठाकुर समाज के प्रत्याशी पर दाव लगा सकती है। यहां साक्य वोटरों की बड़ी संख्या होने के नाते इस समाज के नेताओं की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। हालांकि सभी राजनीतिक दल अब उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की तलाश में जुटे हुए हैं। माना यही जा रहा है कि इस सीट पर असल मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होगा, इसलिए सभी की निगाहें इन दोनों पार्टियों की ओर हैं। एक तरफ सैफई में अखिलेश यादव का वार्ताओं का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बार मैनपुरी से यादव परिवार का तिलिस्म तोड़ने की जुगत भी भिड़ा रही है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री ने संभाल ली है। इन सब के बीच आइए हम आपको बताते हैं कि रघुराज साक्य हैं कौन। रघुराज साक्य इटावा जिले के निवासी हैं। साक्य को शिवपाल यादव का बेहद करीबी माना जाता है। वो प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। साक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उन्होंने 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा सदर से विधानसभा चुनाव भी जीता था। इस बार भी वो इटावा सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। प्रसपा और सपा का गठबंधन होने के बाद उन्होंने टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन सपा ने वहां से सर्वेश्वर साक्य को मैदान में उतारा, जो पूर्व सांसद राम सिंह साक्य के बेटे हैं।